हेलो दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास जो है हमेशा एक कमेंट आता है कि सर जो मोनोब्लॉक पंप है कितनी गहराई से पानी खींच सकती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक किसान हैं जो अपने 5 एकड़ की खेती इसी कुएं की मदद से और इस मोटर की मदद से करते हैं, जो कि 2 HP का मोनोब्लॉक पंप है। 2x2 का इसका हेड है, यानी 2 खींचता है और 2 ही ये पानी छोड़ता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जो सेक्शन लगाया हुआ है वो भी 2 इंच का है, और यहाँ पे जो डिलीवरी लगी हुई है ये भी इनकी 2 इंच की है। और इनका जो हेड है आप देख सकते हैं कि यहाँ से लगभग इधर से इधर की जो लंबाई होगी, यानी ऊपर से लेके मोटर तक की, ये होगी समथिंग 10 फुट, और मोटर के बाद जो नीचे की लंबाई है, गहराई यानी कहना चाहिए, तो वो होगी लगभग लगभग 60 से 65 फुट। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, हमारी मोटर जो है 60 फुट करीब कुएं से पानी खींच सकती है, यानी कि 50-60 फुट, इससे ऊपर नहीं खींच पाएगी। अगर ऐसा हो सकता तो मोटर ये किसान भाई हमारे ऊपर ही रखते, क्योंकि मोटर हमें नीचे उतारनी पड़ी। तो ये ऐसा होता है कि मोटर इससे ज़्यादा गहराई पे पानी नहीं खींच सकती है। इसका जीता जागता सबूत आपके पास सामने है। और यहाँ पर इन्होंने एक घरेलू मोटर भी लगाई है, तो वो भी देखिए कि सेम ऊँचाई पर लगाई है, सेम ऊंचाई पे आप दोनों का देख सकते हैं, दोनों को इन्होंने सेम ऊंचाई पे लगाई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इनकी जब पानी जो है सिंचाई हो रही है, यहाँ पे देखिए 2 इंच का ये डिलीवरी यहाँ पे ख़त्म होता है, और यहाँ पे इनका सोता है लपेटा पाइप शुरू। और पानी आप दिखाते हैं आपको इस मोटर का, तो यहाँ पर इन्होंने आलू वगैरह लगाया है जो हमारे किसान हैं, और यहाँ पर कुछ गेहूँ सरसवा आप देख सकते हैं, कुछ पीला पीलापन दिख रहा होगा आगे, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, वो देखिए गेहूँ वगैरह और आलू वगैरह लगे हुआ है। यहाँ पे कुछ सब्जी भाजी उन्होंने लगाया है, और ये जो हमारा पाइप जाता है लपेटा, तो ये यहाँ इन पे गेहूँ में इनका जो है पानी लग रहा है। और ये दोस्तों होता क्या है कि इनकी जो 5 एकड़ की खेती है पूरी चारों साइड है इनकी, तो क्या होता है कि इनको पानी जो है घट जाता है, क्योंकि कुआँ जो है इनका सूख जाता है जल्दी, पानी यानी ख़त्म हो जाता है। तो ये रुक रुक के पानी लगाते हैं, और पानी की स्पीड देखिए दोस्तों क्या स्पीड है, 2 इंच पानी है पर्याप्त मात्रा में। ये है कि इनका खाने लायक गेहूँ तो हो ही जाएगा इतने पानी में, और फुल खेती हो जाएगी। आप देख सकते हैं चारों साइड इनके पास कोई बोर की सुविधा नहीं है, इसलिए ये हमारे किसान भाई जो है इसी से सिंचाई वगैरह करते हैं प्रॉपर तरीके से। और मेरे को बहुत बेस्ट लगा दोस्तों ये जो इनका सिस्टम है कुएं का और मोनोब्लॉक का। और ये मोनोब्लॉक जो है दोस्तों हमने कुछ दिन पहले ही बांधी थी, इसकी बंधाई की थी, इसकी वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ, नहीं देखा होगा अगर आपने तो ऊपर आई बटन में इसका वीडियो दे दूँगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि ऐसे ही हम फुल वीडियो आपको मिलती रहे, यूज़फुल वीडियो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।